विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है और ऐसी चर्चाएं भी आ रही थी कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल भी किया जा सकता है। आज है 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस और इस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो हमारे साथ है मोहम्मद नाजीम सिद्दीकी जो कि क्रिकेटर है और इन्होंने रणजी में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे मैं प्रोफेशनली ओपनर बैट्समैन हूँ, राइट हैंड ओपनर बैट्समैन हूँ। प्रोफेशनली 2008 में शुरू किया मैंने खेलना। पापा कहते थे पढ़ाई करो, मैंने बोला मुझे खेलने दीजिए, मैं तभी पढ़ाई करूँगा। तो फिर पापा फोर्स किया पढ़ाई करने के लिए, फिर रिजल्ट खराब होने लगा। पापा बोले ठीक है, खेल के पढ़ाई करो। 2008 में मैंने पहली बार डेब्यू किया था डिस्ट्रिक्ट के लिए रांची के लिए, और फिर से मैं खेल रहा हूँ। 2013 में मैंने झारखंड रिप्रेजेंट किया अंडर 19 में, उसके बाद से कंटिन्यू झारखंड मौका दे रहा है मुझे खेलने का, और अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ मैं लास्ट। BCCI हमारे लिए बहुत कुछ करता है और स्पेशली झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसे पेंडेमिक के बीच में हमारे लिए जैसे JPL अभी कराया था हमारे लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप घर बैठे हुए हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद इतने टफ टाइम में आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देना, प्रैक्टिस, जिम, 10-100 लड़के एक जगह जमा होते हैं बबल में, आपको कहीं और नहीं, सिर्फ क्रिकेट, फिटनेस, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, तो आपका एक डेवलप हो जाता है और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि इन पेंडेमिक के बाद भी आपके लिए एसोसिएशन इतना कर रही है तो आपको एसोसिएशन को कितना रिटर्न करना है। फिर मैक्सिमम प्लेयर्स के साथ हम खेल चुके हैं क्योंकि जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एक दो छोड़ करके रणजी ट्रॉफी सभी खेलते हैं। तो अब रणजी ट्रॉफी मैं 3 साल से खेल रहा हूँ, 4 साल से झारखंड के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी के साथ खेल चुका हूँ मैं। एक विराट भाई के साथ नहीं खेला है, अब माही भाई तो अपने ही हैं तो उनके साथ तो खेलते ही रहते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म तो सभी अच्छे होते हैं, सब किसी चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अभी तक का मेरा सफ़र जो अच्छा रहा है, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा अच्छा रहा है, बट आई एम प्रिपेयरिंग वेरी 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 हार्ड फॉर T20s एंड वन डेज, क्योंकि मुझे मौके कम मिले हैं T20 और वन डे में, बट आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं वन डे और T20 भी उतना ही अच्छा खेल सकता हूँ जितना बढ़िया मैं टेस्ट खेलता हूँ। जैसे कि हर बंदा अपने आप को देखना चाहता है प्लेयर की, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, सर्व करूं अपनी कंट्री को, तो मैं भी यही चाहता हूं कि अपने आप को कंट्री के प्लेटफॉर्म पे देखूं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी आप करते हैं लाइफ में, स्पोर्ट्स में, कभी किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने स्ट्रगल पर ट्रस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। माही भाई तो हमेशा जब भी आते हैं झारखंड तो हम लोग से पूछते भी हैं कि क्या चल रहा है, क्या कुछ कमी है, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। और रही बात जो भाई हम लोग साथ खेल रहे हैं अभी, सौरभ भाई हो गए, जग्गी भाई हो गए, ईशान है, छोटा है बट फिर भी अभी सीनियर लेवल खेल रहा है तो हम लोग से सीनियर ही लेवल पे है, तो ये लोग हर चीज़ में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये नहीं होते हैं तब भी पूछते रहते हैं, कभी फ़ोन पे, कभी मैसेज में, क्या चल रहा है, क्या माहौल है वहाँ का, कैंप का क्या। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर में। तो आपने क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर कब से शुरुआत की और कब आप इस खेल की तरफ आपका झुकाव हुआ? सबसे पहला खेला था कर्नल सी के नायडू, पहला डेब्यू साल था मेरा, उसके बाद विजय हजारे खेला, सैयद मुश्ताक खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला एज अ बॉलर, बट आई कैन बैट अ लिटिल बिट। पहला आइडल जहीरी खान थे और अभी भी वही हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब भी बड़े ये हो गए, सौरभ भी हो गए, धोनी भी हो गए, कोई भी अगर जग्गी भी हो गए, ये लोग कोई भी रहते हैं, वरुण वैन इनफैक्ट इंक्लूडेड है, वो लोग जो भी रहते हैं तो हमेशा हेल्प करते हैं। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो वो बताते हैं वरुण वैन बॉलिंग में, एज अ कुछ भी अगर ऑफ द ग्राउंड या इन द ग्राउंड जो भी है तो दे सपोर्ट्स वेरी वेल। धोनी वे भी एक साल जब खेल रहा था तो धोनी वे भी थे साथ में, तो वो भी बहुत बॉलिंग के बारे में, मतलब जब हम लोग बॉलिंग करते थे नेट्स में तो वो पीछे खड़े होकर हमें बताते रहते थे ये ऐसे करो वैसे करो, तो दे हेल्प अस टू इम्प्रूव। अभी तो वाइटी बॉल खेल रहा आपका सैयद मुश्ताक अली, T20 हो गया, अब विजय हजारे वाइट बॉल बेसिकली अभी खेल रहा, अभी ऊपर इंडिया खेलने का कोशिश, तो इंडिया सबका जो भी है अगर कोई भी क्रिकेटर है तो दे वांट टू प्ले इंडिया। वो BCCI का चल रहा था आपका टैलेंट हंट, जब BCCI ने स्टार्ट किया था एक साल जब कुछ खेला नहीं था मैं, तब एट दैट टाइम वहाँ सेलेक्शन हुआ, वहाँ से फिर गया आपका स्पेशलिस्ट के लिए चेन्नई गया, वहाँ फिर ट्रेनिंग कराई गई, बॉलिंग पे ध्यान दिया, सब चीज़ हुआ, फिर वहाँ से फिर सलेक्शन हुआ कुछ लड़कों का, जैसे शॉर्टलिस्टेड हुए, उसमें बाद में बेंगलोर गया NCA,
आफ्टर दैट वहाँ भी ट्रेनिंग हुई, फिर वहाँ से आके झारखंड में आया, फिर यहाँ के मतलब रणजी ट्रॉफी नेट्स में जाके बॉल डाला, उसके बाद वहाँ से फिर कोच ने देखा, तो आफ्टर दैट वे आई गॉट सिलेक्शन इन दैट टीम। अभी तो इंडिया के सारे जो भी हैं आपके सारे स्टेट्स के टीम में आजकल तो सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर ही, जैसे विराट कोहली हो गया, ऋषभ पंत हो गया, MS धोनी भी साथ में हम लोग खेले, सब कोई A to Z मेरे को नहीं लगता कोई मिस हुआ है, सारे क्रिकेटर्स इंडिया के सारे के अगेंस्ट में खेल चुके हैं हम लोग। तो 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस है और आप एक खिलाड़ी हैं, तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि कभी भी हार नहीं मानना है, प्लेइंग 11 तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बट जो बाहर जिनको मौका नहीं मिलता है ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बट दे हैव टू वर्क हार्ड। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।